नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं टॉप न्यूज हरियाणा। हरियाणा की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हरियाणा के किस जिले से हैं कमेंट करके जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे शेड्यूल जारी करेगा। 7 फेज में हो सकती है वोटिंग। आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग शनिवार 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे से होगी। इसे चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि 543 सीटों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव 7 या 8 फेज में हो सकते हैं। इसके साथ ही ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटने पर खुलकर बोले दुष्यंत। कहा, हम 10 सीट देने को तैयार थे लेकिन वे बुढ़ापा पेंशन करने को राजी नहीं हुए। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा से टूटे गठबंधन पर खुलकर अपनी बात की। कहा कि हमने गठबंधन में रहते हुए अपनी घोषणाएं पूरी कराई है। मैं 5 साल सांसद भी रह चुका हूं। मेरे हर पार्टी में दोस्त हैं। दुष्यंत ने कहा कि उनका 4.5 साल का शानदार अनुभव रहा, प्रदेश हित के लिए फैसले लिए। रोहतक की रेसलर को पीएम मोदी का लेटर। रितिका को ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं दी। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली पहलवान। हरियाणा के रोहतक की अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रितिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी है। वह मूल रूप से गांव खरकड़ा की रहने वाली है और हाल में स्थल बोहर में रह रही है। रितिका अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। उसका पेरिस ओलंपिक के लिए चयन हुआ है। पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा है कि बेटी, हर भारतीय की उम्मीद तुमसे है और उनकी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। ब्रिजेंद्र बोले, मोदी सरकार का एजेंडा खुला तो बीजेपी छोड़ी। हरियाणा के सांसद ने कहा, इनके मुद्दे ठीक नहीं, 1 साल पहले मन बना था। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह शुक्रवार को पहली बार जींद के उचाना पहुंचे। इस दौरान 3 लोकसभा क्षेत्रों में जगह जगह समर्थकों ने उनका स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा, जब भाजपा की टिकट पर हिसार लोकसभा में जीत कर पहुंचे तो थोड़े समय के बाद ही लगने लगा था कि भाजपा के साथ मेरे विचार नहीं मिलेंगे। नारलोंद के सरकारी स्कूल में फ्लाइंग टीम की छापेमारी। गैर हाजिर मिला अध्यापक, एक दिन छोड़कर आता है, पढ़ाने के लिए रखा युवक। नारलोंद में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का समय पर नहीं पहुंचना आम बात हो गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने बांस क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक पाठशाला रोशन खेड़ा में छापा मारा। आपको बता दें कि स्कूल में एक नियमित अध्यापक है और उसकी बार बार शिकायत मिल रही थी कि वह अक्सर ड्यूटी पर नहीं आता। इस पर शुक्रवार को एक टीम का गठन किया गया। टीम में मुख्यमंत्री उड़न दस्तक की टीम से सब इंस्पेक्टर बजरंग व एसएसआई राकेश कुमार की संयुक्त टीम तैयार की गई। टीम सुबह करीब 10:30 बजे राजकीय प्राथमिक पाठशाला रोशन खेड़ा में पहुंची। टीम ने निरीक्षण किया तो पता चला कि स्कूलों में नियमित जेबीटी अध्यापक देव सुमन है और इस दौरान वह स्कूल में मौजूद नहीं मिला। चंडीगढ़ के लिए मेट्रो लाइन खारिज, 2 कोच की दौड़ेगी ट्रेन। केंद्र सरकार ने लिया फैसला। चंडीगढ़ ट्राई सिटी में अब 2 कोच की मेट्रो ट्रेन चलेगी। केंद्र ने चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा की तरफ से हाल में प्रस्तावित मेट्रो रूट की अलाइनमेंट में कुछ संशोधन किया था। इसको सभी ने मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को संबंधित मंत्रालय को भेजा जाएगा।